गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। दो तीन दिनों का गैप था बीच में, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। खैर, नेक्स्ट क्लास हम लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री महाजनपद एरा की। तो जो महाजनपद एरा राजस्थान में है वो कब से माना जाता है? तो देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं 326 AD। तो 326 AD जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है उसको पता है था क्या इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। 326 AD इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जिसको अपने यहाँ सिकंदर कहते हैं, सिकंदर के नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर। 326 AD के अंदर अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ, उस समय कुछ अलग अलग जगहों से कुछ जातियाँ थी, कुछ ट्राइब्स थे, कुछ कास्ट्स थी, यानी कुछ जातियाँ, कुछ कबीले, वो उठ करके और राजस्थान के अंदर आ गए। क्योंकि राजस्थान जो है वो उस समय अनअफेक्टेड रहा था अलेक्जेंडर के इन्वेजन से। तो वो जब राजस्थान के अंदर आए और आके उन्होंने अपने अलग अलग कॉलोनीज, या आप कह सकते हो अलग अलग उन्होंने अपने ट्राइब्स जो हैं बसाए, और उनको कहा गया महा जनपद। वो राजस्थान के अंदर अलग अलग कुछ महाजनपद और कुछ हुए जनपद, अधिकतर तो जनपद ही थे। महाजनपदों की जब बात करते हैं तो महाजनपदों का हमें कहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है? सो वी गेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपद। आज और हमें जो 16 महाजनपद आज का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ये मिलता है बौद्धा एपिक अगुंत्र निकाय। बुद्धिस्ट लोगों का एक ग्रंथ है, नाम है अगुंतर निकाय। उसके अंदर आपको जो 16 महाजनपदाज हैं, टोटल मिलते हैं 16, और 16 में से राजस्थान का इसके अंदर इंक्लूडेड है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये जो मत्स्य महाजनपद है ये राजस्थान का था, और मत्स्य के बारे में जो है अगुंतर निकाय के अंदर हमें मिलता है कि मत्स्य जनपद हुआ करता था। अगुंतर निकाय के अंदर इसका वर्णन है, यानी जो इंडिया के 16 मेन महाजनपदाज हैं उनके अंदर भी हमारा जो मत्स्य महाजनपद है वो इंक्लूडेड रहा है। इसके बाद में ये था कहाँ पर, जब अपने मत्स्य को पढ़ते हैं तो मत्स्य के बारे में कि मत्स्य था कहाँ पर, तो देखिए मत्स्य की जब आप बात करते हो तो मत्स्य था साउथ ऑफ कुरु, यानी कुरु भी एक जनपद था। तो मत्स्य की लोकेशन की बात करते हैं, साउथ ऑफ कुरु जनपद, ये इसकी लोकेशन थी। जो कुरु जनपद हुआ करता था उस कुरु के ये साउथ में था, साउथ ऑफ कुरु जनपद। और सूरसेन जनपद जिसकी आप बात करते हैं, हमने जो एक बार शॉर्ट में लास्ट क्लास में जो सारे जो जनपद हैं उनको स्टडी किया था, तो ये जो सूरसेन के वेस्ट में था, वेस्ट ऑफ सूरसेन जनपद। ये तो थी इसकी लोकेशन। ठीक है, साउथ ऑफ कुरु जनपद और वेस्ट ऑफ सूरसेन जनपद, ये दोनों जनपद हैं। इनके बारे में लास्ट क्लास में आपको शॉर्ट में बताया था, आज इसको डिटेल से भी बता देंगे। साउथ ऑफ कुरु जनपद और वेस्ट ऑफ सूरसेन जनपद इसकी लोकेशन रही, और इसका जो साउथ एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड साउथवार्ड टू चंबल, इसका जो साउथ एक्सटेंशन था वो चंबल तक था। तो लिखेंगे इट वॉज एक्सटेंडेड साउथवार्ड्स टू चंबल। इसका दक्षिणी विस्तार जो है, साउथ एक्सटेंशन जो है वो चंबल तक था, और एक्सटेंडेड वेस्टवार्ड्स, यानी इसका जो वेस्टर्न एक्सटेंशन था ये रिवर सरस्वती तक रहा। एक्सटेंडेड वेस्ट टुवर्ड्स रिवर सरस्वती।
ठीक है। तो ये तो थी इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या रही ऑल ओवर, इसकी लोकेशन ये है कि साउथ ऑफ कुरु जनपद और वेस्ट ऑफ, ये तो है सिचुएटेड, इट वाज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ कुरु जनपद एंड इन वेस्ट ऑफ सूरसेन जनपद, ये तो लोकेशन होगी सिचुएटेड। और एक्सटेंडेड यानी एक्सटेंशन कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ तक था, सीमाएँ कहाँ तक थी, तो एक्सटेंडेड साउथ वार्ड टू चंबल, एक्सटेंडेड वेस्ट वार्ड टू रिवर सरस्वती। अब इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, अब देखिए जो जब हम जनपद की बात करते हैं तो बहुत सारी बुक्स के अंदर जनपद को डिस्ट्रिक्ट भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट को अपने जिला कहते हैं, और यूपी साइड में आज भी जिले को जनपद ही कहा जाता है। यूपी में आप अगर पढ़ोगे कहीं जाते हो तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ का एड्रेस आप पढ़ते हो तो उसमें जनपद ही लिखा गया है, आज भी जिले को वहाँ जनपद ही कहा जाता है। तो ये जो है जनपद का मतलब, कई बुक्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी लिखा गया है तो आप इसको कुरु डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, पर जो जनपद है ये एक एंशियंट नेम है और ऑलमोस्ट बुक्स के अंदर जनपदा ही लिखा गया है, इसलिए आप इसको जनपद ही के रूप में करें। अगर डिस्ट्रिक्ट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, प्रेजेंट डे एरिया इसमें कौन कौन सा आता है, तो मॉडर्न मत्स्य का नाम आते ही अलवर तो ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, अलवर, भरतपुर, ठीक है, धौलपुर, जयपुर और करौली, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स, ये मत्स्य जनपद जो है यहां यहां पर हुआ करता था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और करौली, ठीक है। और इसका अब ये देखेंगे कि ठीक है अगुंतर निकाय में 16 थे उनके अंदर मत्स्य था, लेकिन अगुंतर निकाय के अलावा और ये हमें कहां कहां पर मिलता है, तो देखिए एक तो ये मिलता है आपको महाभारता के अंदर, इसकी भी हम बात कर चुके हैं पहले भी, महाभारता के अंदर इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, महाभारता में क्या लिखा गया है इसके बारे में, मत्स्य जनपद के बारे में, पांडवाज स्पेंट देयर एनोनिटी या अननोन रेजिडेंसी कह सकते हैं आप, कि उनका जो अज्ञातवास था पांडवों ने यहाँ पर बिताया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी कैपिटल वगैरह भी वो जब हमने बात की थी महाभारत पीरियड की उसके अंदर पढ़ा था। दूसरा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मिलता है, हमारा एक इम्पोर्टेंट वेद है ऋग्वेदा, इस ऋग्वेदा के अंदर भी आपको मत्स्य का जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है। एक एपिक और है, ये हैं इसके डिस्क्रिप्शन अपने कहाँ कहाँ किस किस नाम से मिलते हैं, एक है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण नाम का जो एपिक है उसके अंदर क्या है, इट डिस्क्राइब्स अबाउट ए किंग, डिस्क्राइब्स अबाउट ए किंग, एक किंग के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसी रीजन का वो किंग था, नाम क्या था देखिए, बड़ा खतरनाक सा नाम है, ध्वसन द्वेत वन, ये किंग का नाम हुआ करता था ध्वसन द्वेत वन। ये जो किंग हैं ये मत्स्य जो महाजनपद हैं उसके किंग रहे, ये जिक्र आपको कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण। तो ध्वसन द्वेतवन जो है वो किस जनपद से संबंधित रहे हैं, रिलेटेड टू विच जनपदा, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, मत्स्य महाजनपदा। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से एपिक में, कौन सी बुक में ये जिक्र है इसका, किंग ध्वसन द्वेतवन का, तो ये आपको बता दें कि जो शतपथ ब्राह्मण नाम का एक एपिक है उसके अंदर इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके बाद में शतपथ ब्राह्मण डिस्क्राइब्स अबाउट ए किंग ध्वसन द्वेतवन, वो इसी रीजन के एक किंग हुआ करते थे। और उसके बाद में जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण के बाद में एक बुक है जिसके बारे में आजकल के गवर्नमेंट के बारे में ये कहा जाता है ना कि ये उस लॉ को जारी करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहती है, इस तरह के जो हमारी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में जो है
रूमर्स जो है ऑलमोस्ट चलती रहती है, ठीक है, वो दुष्प्रचार प्रचार का अपना तरीका है, अपने को उसमें कोई लेना देना है नहीं। मनुस्मृति, मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति के अंदर कुरु, मत्स्य, पंचाल, कुरु, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन, ठीक है, कुरु, मत्स्य, पंचाल और सूरसेन, ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स को यूनाइटेडली यानी संयुक्त रूप से नॉन एज ब्रह्म ऋषि कंट्री, इनको कंबाइंड रूप से मनुस्मृति के अंदर कुरु, कुरु कौन सा था, कुरु कौन सा था, देखिए ये सारे के सारे एंशिएंट टाइम में जो है इनके बारे में जो अपने बुजुर्ग हैं वो कोई महाभारत वगैरह पढ़ते हैं ना वो भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कुरु जहां पर कौरवों का रूल हुआ करता था, कौरवाज रूल्ड हियर, मत्स्य पांडवाज स्पेंट देर एनोनिटी, पांचाल द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाली है, जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा द्रौपदी को पांचाली भी कहा करते थे, तो वो जो पांचाल नरेश थे उनकी पुत्री थी, और सूरसेन, ये जो हैं सारे के सारे इनको यूनाइटेडली नोन एज ब्रह्म ऋषि कंट्री, इनको एक साथ मिला करके और मैंशनड एज ब्रह्म ऋषि कंट्री कहा गया है, इनको ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है मनुस्मृति के अंदर। ब्रह्म ऋषि देश में कौन कौन शामिल हैं, तो कुरु, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन, ये ब्रह्म ऋषि के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, ब्रह्म ऋषि कंट्री के अंदर आते हैं। इसके बाद में ये है आपका जो टोटल मत्स्य महाजनपद के बारे में जितनी अपने को मिलती है इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, मत्स्य महाजनपद के बारे में अपने को क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट जो अपना महाजनपद आता है वो आता है, एक जनपद था मालव जनपद, मालवाज जनपदा, कौन सा, मालवाज जनपदा, इसके बाद में अपने जो आगे पढ़ते हैं वो है अपना मालवा जनपद। मालवा जनपद कहाँ कहाँ पर रहा आपके, मालवा जनपद जो है वो एक्सटेंडेड टू कहाँ तक फैला हुआ था, एक्सटेंडेड टू अजमेर, टोंक और मेवाड़, ये है आपका मालवा जनपद एक्सटेंडेड टू अजमेर, टोंक एंड मेवाड़, मेवाड़ का भी पार्ट था इसके अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर ये फैला हुआ था। और इसकी लोकेशन कहाँ मानी जाती है, इसकी लोकेशन मानी जाती है रावी चेनाब कन्फ्लुएंस, कहाँ तक, रावी चेनाब कन्फ्लुएंस, ये इसका जो है वो बेसिकली प्लेस ऑफ ओरिजिन माना जाता है कि ये यहाँ से शुरू हुआ था। और ऐसा कहाँ पे कहा गया है कि ये रावी चेनाब का जो कन्फ्लुएंस है, जो संगम है रावी और चेनाब का, कन्फ्लुएंस वो जगह होती है जो दो नदियों का संगम स्थल होता है, दो नदियों के उसके जगह होती है, तो रावी चेनाब कन्फ्लुएंस है। और इसका फैलाव जो है अपने राजस्थान के अंदर अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक माना जाता है। लेकिन ये रावी चेनाब कन्फ्लुएंस किसने लिखा है कि यहाँ पर इनका ओरिजिन हुआ था मालवाज का, रावी चेनाब कन्फ्लुएंस के अंदर थे और वहाँ से ये जो है शिफ्ट करके यहाँ पर आए थे, ये बात कौन कहता है, ये कहता है पाणिनि, कौन कहता है, पाणिनि कहता है। और कहाँ पे कहता है, पाणिनि ने जो एक पाणिनि की एक फेमस बुक है जिसके बारे में आप सब पढ़ चुके हो, पाणिनिज अष्टाध्यायी, ये जो पाणिनिज की एक अष्टाध्यायी लिखी पाणिनिज ने, वो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी उस अष्टाध्यायी के अंदर ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो मालवाज थे इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन रावी चेनाब कन्फ्लुएंस रहा। और रावी और चेनाब कहाँ है आपको पता है, ये प्रजाति कहाँ से आई थी, इससे आपको पता चल जाता है। और इसके बारे में क्या है, ये जो मालवाज हैं दे रिमेंड इंडिपेंडेंट, दे रिमेंड इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रहे, कब तक रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट बिफोर समुद्रगुप्ताज एरा, जो समुद्रगुप्त का समय आया
उससे पहले तक ये जो मालव है ये एक इंडिपेंडेंट जनपद हुआ करता था। और इसके अंदर क्या आता है, इसका अपने कहाँ कहाँ पे इसका जिक्र किया जाता है, देखिए एक तो आपने जो है अपने इंस्क्रिप्शन में पढ़ा था नंदसा यूप पिलर आर्टिकल, ये इंस्क्रिप्शन में आप पढ़ चुके हो। कहाँ पर है ये नंदसा यूप पिलर आर्टिकल, नंदसा यूप पिलर आर्टिकल इसके बारे में पढ़ा है हमने, भीलवाड़ा, नंदसा यूप पिलर आर्टिकल है भीलवाड़ा के अंदर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यही जो मालव है इन्हीं मालवों के एक किंग हुआ करते थे, नाम था किंग सोम उपमालवा, कि ये जो मालव जनपद के एक किंग सोम हुआ करते थे। और किंग सोम ने क्या किया, इन्होंने क्षत्रियों को जो क्षत्रप थे उनको, किंग सोम ऑफ मालवा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षत्रपों को हराया था, ऐसा लिखा गया है। तो लिखा है किंग सोम डिफिटेड क्षत्रप्स, क्षत्रपास, कि जो क्षत्रपों को हराने वाला कौन था, किंग सोम, और किंग सोम का जो रिलेशन है वो मालव जनपद के साथ हुआ करता था। और इसी खुशी में जब इनको हराया था तो किंग सोम ने क्या किया था, किंग सोम ने एक षष्ठी रात्र यज्ञ परफॉर्म किया था, परफॉर्मड ए षष्ठी रात्र यज्ञ, कौन, किंग सोम, कब, व्हेन ही डिफिटेड क्षत्रपास, ठीक है। और इस खुशी में जब ये षष्ठी रात्र यज्ञ इसने किया तो इसने क्या किया, डोनेटेड काउज, किसको, काऊ किसको डोनेट की जाती है, दान किसको दिया जाता था, ब्राह्मिन्स। तो ये जो किंग सोम था अपने मालवा का, इसके बारे में ये है कि जब इसने क्षत्रपों को हराया था, व्हेन ही डिफिटेड क्षत्रपास ही परफॉर्म्ड ए षष्ठी रात्रि यज्ञ एंड डोनेटेड काउज टू ब्राह्मिन्स, ये अपने को डिस्क्रिप्शन इसके बारे में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, नंदसा यूप पिलर आर्टिकल भीलवाड़ा के अंदर, कि इस खुशी के अंदर उसने ये काम किया था। और दूसरा, उसके बाद में एक टाइम आया जब जो मालव है अपने, इनका पढ़ते हैं कि ये अजमेर तक आ गए थे, तो यही मालवाज जब अजमेर रीजन के अंदर आए तो किसी न किसी को तो हराया होगा, तो इन्होंने क्या किया, व्हेन मालवाज इन्वेडेड भद्राज ऑफ पुष्कर, पुष्कर क्षेत्र के जो भद्राज थे उनको हराया इन्होंने, पुष्कर रीजन, पुष्कर कहाँ है, अजमेर के पास, सबको बताएं, तो पुष्कर रीजन के भद्राज को जब मालवों ने हराया और उसके बाद वहां पर आ गए, तो उस समय एक शक क्षत्रप होता था, कौन सा, पहले इन्होंने किसको हराया था, इन्हीं क्षत्रपों को हराया था, तो इन्हीं में एक ऐसा क्षत्रप होता था उस समय, शक क्षत्रप कौन था, वो शक क्षत्रप था नाहपान, क्या नाम था उसका, नाहपान, नाहपान आप शक रूलर्स में जब पढ़ते हो, शक डायनेस्टी, उसके अंदर नाहपान एक इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये जो नाहपान था, एक शक क्षत्रप था, इसकी क्या है, यहाँ से इनके साथ में जो है वो लागडाट हो गई थी कि जो किंग सोम था मालवा वाला, उसने क्षत्रपों को हराया था, तो उस खुन्नस तो है नाहपान के मन में थी कि इन्होंने अपने को हराया है। तो जब मालवाज ने ये जो भद्राज थे वहाँ पर पुष्कर के आसपास, उनके ऊपर जब आक्रमण किया, तो ये जो नाहपान है इसका एक दामाद था, कौन था, सन इन लॉ, नाहपान का एक सन इन लॉ था, सन इन लॉ, तो इसमें लिखेंगे नाहपान सेंट हिज सन इन लॉ, और सन इन लॉ का नाम था ऋषभ दत्ता, इसको भेजा था इसने भद्राज की हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करने के लिए भेजा था, तो इसमें लिखेंगे शक क्षत्रप नाहपान सेंट हिज सन इन लॉ ऋषभ दत्ता टू असिस्ट भद्राज। ये लिखेंगे शक क्षत्रप नाहपान सेंट हिज सन इन लॉ ऋषभ दत्ता टू असिस्ट भद्राज, भद्राओं के इसके मदद करने के लिए भेजा था, और इसने मदद की और क्या किया, डिफिटेड मालवाज, जो मालवा रूलर थे उनको इन्होंने चौपड़ दिया, उनको हरा दिया था मालवाज को। और उसके बाद में यहां पर देखो, जब शक क्षत्रप है
ये भेज रहा है, तो भाई ये तो हारे हुए थे ही, भद्राज तो हार ही गए थे, और भद्राज की जब हेल्प किया कि नहपान का सन इन लो ऋषभ दत्ता था, उसने आके और मदद की और फिर मालवों को हराया, तो ये किसके अंडर में आ गया? शक रूलर्स। ये जो मालवा था ये शक रूलर्स के अंडर में आ गया, और उसके बाद ये जो शक रूलर्स यहां पे थे, उसके बाद में यहां पर हुआ शक कुषाण स्ट्रगल। क्या हुआ था? शक कुषाण स्ट्रगल हुआ, और जब ये शक कुषाण स्ट्रगल हो गया उसके बाद में ये कुषाण रूल के अंडर में आ गया था। उसके बाद में यहाँ पे रूल करने वाले थे कुषाण रूलर्स, कैम अंडर कुषाण रूलर्स। ये है आपका मालवा के बारे में कि अजमेर और टोंक मेवाड़ के तक आ गया था। इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन था वो रावी चेनाब कन्फ्लुएंस है, और ये कौन कहता है? ये पाणिनि कहता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि बिफोर समुद्रगुप्ताज एरा या बिफोर टाइम ऑफ समुद्रगुप्त ये जो रीजन था ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट था, मतलब स्वतंत्र एक कबीला था, और स्वतंत्र कबीला था तो उसके बाद में स्वतंत्र समुद्रगुप्त ने इसके ऊपर अपना आकर के और रूल किया था। यही मतलब हुआ कि समुद्रगुप्त से पहले स्वतंत्रता यानी समुद्रगुप्त का रूल यहाँ पे रहा। उसके बाद में भीलवाड़ा नांदसा यूप पिलर में ये लिखा है कि मालवों का एक किंग हुआ करता था सोम, उसने क्या किया था? क्षत्रपों को हराया था। कौन से क्षत्रप थे? वो शकाज थे, ठीक है। और उसके बाद में जब मालव भद्राज के ऊपर अपना आक्रमण किया, भद्राज को काबू में कर रहे थे, उस समय शकों ने अपना बदला लिया। एक शक क्षत्रप था नहपान, उसने अपने दामाद ऋषभ दत्ता को भेजा, सेंट हिज सन इन लो, और ऋषभ दत्ता ने यहाँ आके मालवों को हराया, और ये शकों के अधीन हो गया था मालवा। जब शकों के अंडर में मालवा आ गया उसके बाद में शक और कुषाण स्ट्रगल हुआ, तो शकों से फिर मालवा किसने छीन लिया? कुषाणों ने। तो यहाँ पे रूल किस किस का रहा वो इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना जनपद रहा वो है शिवी जनपद। कौन सा? शिवी जनपद। शिवी जनपद के बारे में अपने क्या पढ़ते हैं? शिवी जनपद के बारे शिवी जनपद के बारे में ये देखते हैं कि जो शिवी जनपद है उसका अपने सोर्स कहाँ, क्या है उसका, कि अपने को कहाँ से पता चलता है शिवी जनपद के बारे में। तो हम ये लिखेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवी जनपद, इसका डिस्क्रिप्शन जो है फाउंड इन ऋग्वेदा, इसका डिस्क्रिप्शन आपको ऋग्वेद के अंदर मिल जाता है। और ऋग्वेद के अंदर ये कहा गया है कि जो शिवी जनपद है इसकी कैपिटल शिवपुर वाज इट्स कैपिटल, इसकी जो कैपिटल बताई गई है वो ऋग्वेद के अंदर क्या बताई गई है? शिवपुर। शिवपुर को कैपिटल कहा गया है शिवी की, कहां पर? ऋग्वेद के अंदर। और इसके अंदर क्या जिक्र है? इसके अंदर एक और एक किंग हुआ करता था इसी जनपद का, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्रिप्शन अबाउट किंग सुदास। क्या नाम था? किंग सुदास। इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, और इसके बारे में क्या कहते हैं? बैटल ऑफ दस राजा। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है बैटल ऑफ दस राजा, कि यहाँ पे ये जो दस राजा है यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसने बैटल ऑफ दस राजा के अंदर पार्टिसिपेट किया था, लड़ा था। किसने लड़ा था? किंग सुदास ने। और अब ये जो कैपिटल है जो अपने ऋग्वेदा में पढ़ते हैं शिवपुर, अब ये शिवपुर था कहाँ पर? इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो शिवपुर है ये अभी कहाँ पर है? ये शिवपुर झांग रीजन है, झांग क्षेत्र। झांग रीजन कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। वहां पर एक जगह है और जगह का नाम है शोरकोट। कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में एक झांग रीजन के अंदर जो शोरकोट है, प्रेजेंट डे शोरकोट लोकेटेड इन झांग रीजन ऑफ पाकिस्तान इज एज्यूम्ड एज शिवपुर, उसको माना जाता है कि वो उस समय शिवपुर हुआ करता था।
ठीक है। अब ये शिवी जनपद का कि आया कहाँ से ये शिवी जनपद, ये तो है इसके बारे में कि अपने को ऋग्वेदा के अंदर इस तरह से मिलता है कि एक किंग सुदास था, उसने बैटल ऑफ दशराजा जो है उसका डिस्क्रिप्शन अपने को इसमें मिल जाता है। शिवपुर कैपिटल थी, शिवपुर जो है वो प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है, कौन सी जगह थी जिसको शिवपुर कहते थे, तो ये शिवपुर भाई साहब झेंग रीजन है पाकिस्तान के अंदर, झंग क्षेत्र, वहाँ पर शोरकोट नाम की जगह है, उस वो शोरकोट जो है वो शिवपुर हुआ करता था। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर, जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ, ऑलमोस्ट आप कब मानते हो इसको, फोर्थ सेंचुरी बीसी, फोर्थ सेंचुरी बीसी के अंदर मानते हैं। उस समय यह कहा कि जो शिवी ट्राइब था पंजाब का वो मेवाड़ भाग आया था, वहां पर एक शिवी ट्राइब हुआ करता था, और ये शिवी ट्राइब लोकेटेड कहां पर था, ये शिवी ट्राइब था पंजाब के अंदर, और ये पंजाब से भाग करके आया कहां पर, ये आ गया भाई साहब मेवाड़ में। मेवाड़ में आए और मेवाड़ में आके इन्होंने अपनी एक कैपिटल बनाई मध्यमिका, जो आज उसको कहा जाता है नगरी, और ये नगरी है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये मेवाड़ के अंदर आगे मध्यमिका इन्होंने बसाई, मध्यमिका को मध्यमिका भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में पद्मचारी रोट अबाउट इन्वेजन ऑफ यवनाज ऑन मध्यमिका, इन्हीं के समय पद्मचारी ये कहता है कि पद्मचारी ये कहता है कि शिवी ट्राइब की जो मध्यमिका थी उसके ऊपर यवनों ने क्या किया था, उसको इन्वेड कर लिया था, यवनों का इन्वेजन हो गया था। ये है आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट शिवी जो जनपद है उसके बारे में। शिवी जनपद था कहाँ पर, यह तो आपको लोकेशन हमने बता दी, मेवाड़ के अंदर था, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेवाड़ में रहा, मध्यमिका इसकी कैपिटल थी, लेकिन मध्यमिका से पहले ऋग्वेद ये कहता है कि शिवपुर इसकी कैपिटल थी, और वो शिवपुर जो है वो झांग रीजन पाकिस्तान के अंदर है, और इसी का एक किंग सुदास, और किंग सुदास के बैटल ऑफ दस राजा का डिस्क्रिप्शन भी आपको ऋग्वेद के अंदर मिल जाता है। उसके बाद में अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद में क्या हुआ कि जो शिवी ट्राइब है, ये फोर्थ सेंचुरी 400 बीसी जो मैंने लिखा है, नॉर्मली इसको आप लिखेंगे फोर्थ सेंचुरी, यानी 300 के बाद में जो है वो फोर्थ सेंचुरी शुरू हो गई थी, 326 के आसपास में ये था, तो 400 बीसी यानी फोर्थ सेंचुरी बीसी, ये मान के चलना शिवी ट्राइब पंजाब, और शिवी ट्राइब जो है वो पंजाब में था, वो भाग के आया कहाँ पे, वो आया मेवाड़ में, मेवाड़ में मध्यमिका नगरी अपनी कैपिटल बनाई, और ये कहा जाता पद्मचारी ये लिखता है कि जो यवनाज थे उन्होंने लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन यवनाज इन्वेडेड मध्यमिका, उसके ऊपर हमला किया था मध्यमिका पे, और यवन शासकों ने मध्यमिका पर कब्जा कर लिया था। ये कौन कहता है, ये कहते हैं श्रीमान पद्मचारी, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है योद्धेय जनपद, योद्धाओं का जनपद, तो कौन सा था योद्धेय जनपद, योद्धाओं का जनपद कौन सा था, उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जनपद जो हमारा आता है वो ये योद्धेय जनपद, योद्धेय जो है इसको एक ब्रेव जनपद कहा जाता था, ऐसा माना जाता है ये बहुत ब्रेव लोग हुआ करते थे, बहुत बहादुर लोग हुआ करते थे, और आज भी योद्धेय जनपद के लोग बहुत बहादुर हैं। तो योद्धेय जनपद कहां पर माना जाता है, ये माना जाता है नॉर्दर्न राजस्थान, और नॉर्दर्न राजस्थान यानी व्हीटबॉल ऑफ राजस्थान, यही तो है जो राजस्थान के अंदर गेहूं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, चावल का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। कौन कौन से हैं योद्धेय जनपद के अंदर, योद्धेय जनपद के अंदर आते हैं आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहां पर हुआ करता था श्रीगंगानगर और
हनुमानगढ़, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर योद्धेय जनपद हुआ करता था। इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं इट वॉज ए पावरफुल जनपद। क्या कहते हैं कि ये एक बहुत शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, पावरफुल जनपद हुआ करता था। पावरफुल जनपद कौन सा हुआ करता था, योद्धेय जनपद हुआ करता था। और पावरफुल जनपद था इसका अपने को जिक्र कहाँ पर मिलता है, देखिए अपने एक पढ़ा था जूनागढ़ आर्टिकल पढ़ा था, जब इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट एविडेंस ऑफ संस्कृत इंस्क्रिप्शन किसका था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये भी आपने पढ़ा था, रुद्र दामन का था। और रुद्रदामन ने यह लिखा था योद्धे इज ए ब्रेव डायनेस्टी हु डिस्ट्रॉयड द कुशांस। रुद्रदामन ने क्या लिखा था, रुद्रदामन ने यह लिखा था योद्धे इज ए ब्रेव डायनेस्टी हु डिस्ट्रॉयड द कुषाण पावर इन नॉर्दर्न राजस्थान। आई एम गोइंग टू डिफेट देम। यानी रुद्रदामन का मकसद ये नहीं था कि वो योद्धे की प्रशंसा करे, पर वो अपने आप को बताने के लिए उसने योद्धे के बारे में भी बताया कि योद्धे इज ए ब्रेव डायनेस्टी हु डिस्ट्रॉयड द कुशाना पावर इन नॉर्दर्न राजस्थान। उसने ये लिखा कि योद्धे एक ऐसी बहादुर कौम जिसने उत्तरी राजस्थान के अंदर, उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अंदर कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया, अब मैं उनको हराने जा रहा हूं। उसने अपने बारे में लिखा था कि मैं उनको हराऊंगा, लेकिन ये वो कमजोर नहीं है, ये बहुत बहादुर है। ये कहां पर मिलता है आपको, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्रदामन के ने ये लिखवाया है कि योद्धे जो है वो बहुत बहादुर कौम है और कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया था नॉर्दर्न राजस्थान के अंदर। तो लिखेंगे योद्धे इज अ ब्रेव डायनेस्टी हु डिस्ट्रॉयड द कुषाण पावर इन नॉर्दर्न राजस्थान, आई एम गोइंग टू डिफेट देम, मैं इनको हराने जा रहा हूं, ये कहा किसने। और उसके बाद में एक इसमें क्या कहा, एक इनका एक पावरफुल लीडर जो है जिसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, ए पावरफुल लीडर ऑफ योद्धे का एक पावरफुल लीडर कुमार का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। अगर इनके हम रूलर्स की बात करें तो इनका एक लीडर, वहां पर देखो लीडर वर्ड का यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर किंग नहीं हुआ करता था। और भरतपुर इंस्क्रिप्शन के अंदर योद्धे के बारे में यह लिखा भी गया है, कौन से इंस्क्रिप्शन के अंदर, भरतपुर इंस्क्रिप्शन, जो भरतपुर इंस्क्रिप्शन है वो योद्धे के बारे में हमें ये बताता भी है, रिटन इन द भरतपुर इंस्क्रिप्शन अबाउट योद्धे दैट दे यूज्ड टू इलेक्ट देयर लीडर। यानी वहां पर हेरिडेटरी सिस्टम नहीं हुआ करता था, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं का मतलब ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या वहाँ राजा का सिस्टम ही नहीं था। तो वो एक लीडर वर्ड यूज किया गया है, किंग वर्ड यूज नहीं किया गया। यानी उनका एक शक्तिशाली नेता हुआ करता था जिसकी अच्छी पावर थी, नाम था कुमार। और भरतपुर इंस्क्रिप्शन में भी ये लिखा हुआ है कि पीपल ऑफ योद्धे जनपद यूज्ड टू इलेक्ट देयर लीडर्स, कि वहाँ पर जो योद्धे वाले थे वो अपने नेता का चुनाव किया करते थे, वहां उस समय भी बहुमत से फैसला हुआ करता था योद्धे जनपद के अंदर। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ये उस समय भी एक जो है वो डेमोक्रेटिक जनपद हुआ करता था, उस समय भी इनके अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली थी कि वो अपना नेता चुना करते थे। ये योद्धे के बारे में कहा जाता है गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में, इसीलिए शायद इस क्षेत्र में नेता ज्यादा है, हर घर में नेतो है कि नहीं। तो ये आ गया आपका योद्धे जनपद के बारे में, और इसके बाद में नेक्स्ट जनपद पढ़ते हैं।
और अगला जो अपने जनपद की बात करते हैं वो जनपद था अपना सूरसेन जनपद। कौन सा जनपद? सूरसेन। सूरसेन के बारे में अपने क्या पढ़ते हैं कि इट वॉज सिचुएटेड मेनली इन यूपी। अब देखिए आज भी ये एविडेंस है कि जो बॉर्डर एरिया होता है ना वो उसमें क्या किसी न किसी का डोमिनेशन होता है। जैसे आप ये मान के चलो कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ अब डिस्ट्रिक्ट आ गए तो वहाँ पर क्या है, टच किसका है? पंजाब का। तो इन लोगों के ऊपर आपको इनकी ड्रेसिंग के अंदर, इनके खाने के अंदर, फूड के अंदर आपको पंजाबी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसी तरह क्या है कि सूरसेन जो है वो मेनली सिचुएटेड इन यूपी, लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर इसके अंदर रहा अपना। कौन सा रहा? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर। भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जगह जो है ये देखो इनके अंदर आज भी आपको यूपी वाला इफेक्ट मिल जाता है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच लिखा गया है, भाई इसमें फर्जीवाड़ा तो कुछ नहीं है। देखो मेनली सिचुएटेड इन यूपी, मेनली ये कहां पर था? यूपी में, और यूपी के टच में जो रीजन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली, इनके ये जो ईस्टर्न पार्ट था इनके अंदर कौन सा था? ये सूरसेन जो जनपद है वो हुआ करता था। और सूरसेन के बारे में हमें जो डिटेल मिलती है वो क्या मिलती है? कैपिटल। कैपिटल क्या कौन सी थी इसकी? कैपिटल थी मथुरा। और मथुरा से रिलेशन किसका रहा है सबको पता है, तो आप ये लिखेंगे लॉर्ड कृष्णा सन ऑफ वसुदेवा, ये लिखेंगे सन ऑफ वसुदेवा वॉज रिलेटेड टू दिस जनपद या दिस डिस्ट्रिक्ट, वॉज रिलेटेड टू दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो सूरसेन जनपद था, सूरसेन डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पर क्या है इसके ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कैपिटल इसकी मथुरा थी। मथुरा से आपको पता है लॉर्ड कृष्णा को इससे जोड़ करके हमेशा से माना जाता रहा है। शुरू हो गया काम तो सर्दी आड़ो। तो इसके बाद में रिलेटेड टू दिस डिस्ट्रिक्ट लॉर्ड कृष्णा को माना जाता है। कृष्ण से संबंधित अगर जनपद है, कोई किसी किस जनपद से संबंधित माना जाता है श्री कृष्ण को, तो ध्यान रखना सूरसेन से माना जाता है। और कैपिटल कौन सी थी सूरसेन की? कैपिटल थी मथुरा। इसके बाद में जो नेक्स्ट जनपद आता है वो है कुरु। कुरु वॉज द रीजन अंडर कौरवाज, कौरवों का जो क्षेत्र हुआ करता था। और ये जो है ना, ये जैसे मान लो सूरसेन आ गया ईस्टर्न पार्ट, ये पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा बॉर्डर लगता था, मेनली राजस्थान के अंदर सिचुएटेड नहीं था। जो मेनली सिचुएटेड थे ना राजस्थान के अंदर, वो हमने जो है इससे पहले वाले जो बड़े बड़े थे उनको पढ़ लिया, अब ये वो हैं, लेकिन राजस्थान में थे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत पार्ट इनका राजस्थान में पड़ता था। जैसे कुरु है, तो कुरु जो है ना वो नॉर्दर्न अलवर में हुआ करता था, जहाँ कौरवों का राज रहा वो एरिया था नॉर्दर्न अलवर रीजन। कुरु जनपद कहां पर रहा? नॉर्दर्न अलवर रीजन जो है वो कुरु जनपद के अंदर शामिल रहा था। नॉर्दर्न अलवर रीजन कुरु के अंदर था। और इसकी जो कैपिटल मानी जाती है, वो कैपिटल जो है वो मानी जाती है इंद्रप्रस्थ। कैपिटल कौन सी मानी जाती है कुरु जनपद की? कैपिटल मानी जाती है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ का मतलब है दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली जो है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, और ये कुरु की कैपिटल हुआ करती थी जो नॉर्दर्न अलवर रीजन है। इसके बाद में एक और आता है शाल्व जनपद। शाल्व जनपद इसके अंदर क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ अलवर हुआ करता था, अलवर का थोड़ा सा क्षेत्र इसमें हुआ करता था, स्मॉल रीजन ऑफ अलवर, अलवर का एक छोटा क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल था। तो ये भी पार्शियली थोड़ा सा जो है शाल्व जनपद यहाँ पर आता था। और एक और आता है जनपद जो आता है वो है उदहीक। उदहीक जनपद कौन सा? उदहीक जनपद, ये उदहीक एक जनपद है, ये भी राजस्थान के अंदर आता था। और इसके वरा मिहिर तो कहता है कि ये जो है
ये एमपी के थे, उधिक जो थे ना वो वराहमिहिर इनको एमपी का बताता है। तो अकॉर्डिंग टू वराहमिहिर दे बिलोंग्ड टू मध्य प्रदेश। वराहमिहिर के अनुसार ये जो उधिक जनपद था, उधिक लोग थे, ये बताता है कि ये मध्य प्रदेश के थे, लेकिन राजस्थान वालों के पंगा कौन करके गया, राजस्थान वालों के अलबाद कर गया अलबरूनी। कौन कर गया राजस्थान वालों के अलबाद, राजस्थान वालों के पंगा कर दिया अलबरूनी ने, और अलबरूनी ने ये कह दिया देवर रेजिडेंट्स ऑफ भरतपुर। ये कहता है नहीं जी एमपी के नहीं थे, ये भरतपुर के हुआ करते थे। तो उधिक के बारे में जो अपने को पढ़ना है वो ये है कि अलबरूनी ये कहता है कि ये भरतपुर के थे, और वराहमिहिर कहता है कि ये मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। और इसके बाद में एक जनपद है आभीर। कौन सा है आभीर? आभीर के बारे में अपने को क्या पता चलता है? आभीर ये बताते हैं कि ये जो जनपद था, इट वॉज ड्यूरिंग कुषाण एरा। आभीर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये कुषाण एरा के दौरान होता था। और ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहने वाले हैं ग्रीक राइटर्स। जो ग्रीक राइटर्स हैं उन्होंने ये लिखा है कि कुषाण एरा में एक आभीर गणराज्य, आभीर गणराज्य कहते हैं इसको, या आभीर जनपद आप कह सकते हो। ये कहते हैं कि आभीर एक डेमोक्रेसी थी जो कुषाण एरा के समय हुआ करती थी। ऐसा लिखने वाला है कौन? ऐसा लिखने वाले हैं ग्रीक राइटर्स, ग्रीक लेखक। जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने ये लिख दिया है कि आभीर भी राजस्थान के अंदर इसका पार्ट आया करता था। इसके बाद में आता है अर्जुनायन। अर्जुनायन कौन थे? चलो इसको करेंगे इरेज, फिर पढ़ते हैं अर्जुनायन के बारे में। अर्जुनायन, जैसे आपको नाम से पता चलता है अर्जुन, तो अर्जुनायन जो है इसका डिस्क्रिप्शन आपको कहां मिलता है? इट इज डिस्क्राइब्ड इन पाणिनि। पाणिनि का अभी जो आपने पढ़ा था, एक तो वही है पाणिनिज अष्टाध्यायी, एक तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी, एक पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, पतंजलिज महाभाष्य, और एक है अपना महाभारता। इनके अंदर आपको अर्जुनायन के बारे में मिल जाता है, महाभारता के अंदर मिल जाता है। और क्या कहा गया है इनके बारे में? ये ऐसा कहा गया है कि देवर डिसेंडेंट्स ऑफ अर्जुना द पांडवा प्रिंस। ऐसा कहा गया है कि एक पांडव राजकुमार था अर्जुन, उसके ये डिसेंडेंट्स थे। कौन? पांडव राजकुमार अर्जुन के डिसेंडेंट्स कौन थे, यानी उसके बाद में आने वाले उसके उत्तराधिकारी लोग थे, वो कौन थे? उसके उत्तराधिकारी लोग ये हैं, उनको अर्जुनायन कहा गया है, यानी जो अर्जुन के वंशज रहे वो कौन रहे? अर्जुन के वंशज ही अर्जुनायन कहलाए। ये था कहां पर? इसका जो क्षेत्र है वो था अलवर एंड भरतपुर। इसका रीजन रहा आपका अलवर एंड भरतपुर। ये आपको मिलता है उल्लेख जो है वो अर्जुनायन के बारे में। और ये जो अर्जुनायन जनपद है, इनके अपने को मेटालिक कॉइन्स भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मेटालिक कॉइन्स। तो मालवा नाम, मालव जनपदस और मालवा नाम जे, और ये जो मेटालिक कॉइन्स अर्जुनायन वाले मिले हैं इनके ऊपर लिखा हुआ है अर्जुनायन जे, यानी अपनी अपनी सब जय बोला करते थे। ठीक है, इसके बाद में एक हुआ करता था राजन्य जनपद। कौन सा जनपद था? राजन्य जनपद हुआ करता था। राजन्य जनपद के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। इसके अंदर मान के चलो एक तो आता है आपका पतंजलि, यही जो है बुक्स सेम इन्हीं के अंदर है राजन्य जनपद। एक तो है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य,
और महाभारता, इन्हीं के अंदर आपको मिलता है राजन्य जनपद का डिस्क्रिप्शन। राजन्य जनपदा इज डिस्क्राइब्ड इन पाणिनीज अष्टाध्यायी, पतंजलिज महाभाष्य और महाभारता, ठीक है, इनके अंदर मिलता है। और एक स्मिथ, स्मिथ ये कहते हैं, इसी के बारे में श्रीमान स्मिथ, मिस्टर स्मिथ, स्मिथ के विचार क्या हैं राजन्य के बारे में। स्मिथ ये कहते हैं कि मथुरा भरतपुर, मथुरा भरतपुर एंड ईस्टर्न राजपूताना, जो ऑलमोस्ट एक ही बात होगी, ये थोड़े से ऊपर है। ये कहता है मथुरा भरतपुर एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजपूताना, यानी जो ईस्टर्न राजपूताना के पार्ट्स थे उस समय, वो राजन्य जनपद वहां पर हुआ करता था। ये कौन कहता है? ये स्मिथ भाई साहब कहते हैं कि मथुरा भरतपुर और ईस्टर्न राजपूताना के अंदर राजन्य जनपद हुआ करता था। लेकिन हमारे एक हिस्टोरियन हुए हैं, नाम है के पी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल। ये काशी भाई साहब क्या कहते हैं? काशी प्रसाद जायसवाल इनको बताते हैं कि ये जो राजन्य वाले हैं, इनका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। देवर रेजिडेंट्स ऑफ होशियारपुर, होशियारपुर कहां पे है? तो ये कहते हैं भाई साहब कि ये जो काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि राजस्थान से इनका कोई लेना देना नहीं था, ये होशियारपुर के निवासी हुआ करते थे। ये है आपके राजन्य के बारे में विचार। तो ये अर्जुनायन हो गया, राजन्य हो गया। इसी के साथ आपके राजस्थान से रिलेटेड जो भी छोटे बड़े महाजनपद थे, वो आज की एक ही क्लास के अंदर आपका जो महाजनपद एरा है वो कंप्लीट हो गया है। अब जैसे महाजनपद एरा आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद में फिर जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जो डायनेस्टीज थी, इसके नेक्स्ट क्लास से अपने जो राजस्थान की डायनेस्टीज रही है, रूलिंग डायनेस्टीज, राजवंश, वो आप इंग्लिश मीडियम के अंदर ही स्टडी करेंगे। ये क्लास जो है वो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वालों को ध्यान में रख के बनाई गई है, क्योंकि जहाँ कहीं भी देखते हैं ना राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनको एक दो बुक्स के अलावा कोई बुक्स नहीं मिलती, कंटेंट उनको कहीं क्लास के लिए मिलता नहीं है। हिंदी की क्लास के साथ में ड्यूअल में उनको पढ़ाया जाता है, इसलिए जो रिटन वर्क है वो कंप्लीट इंग्लिश में रहेगा समझाने को। हिंदी में भी समझा देंगे और इंग्लिश में भी, लेकिन अपना जो रिटन है वो कंप्लीट इंग्लिश में ही रहेगा। अगर कोई नोट्स बनाने वाला है इंग्लिश की, तो वो इस क्लास से अच्छे से नोट्स बना सकता है, कोई भी चीज़ मिस नहीं है। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहे हैं, स्मिथ, काशी प्रसाद, मतलब अगर किसी अलग अलग को, पांच हिस्टोरियन है ना, उनके अलग अलग व्यू है ना, तो अलग अलग ही आपको बताए जाएंगे सारे के सारे कंप्लीट, ठीक है। तो ये थे हमारे राजस्थान के महाजनपद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।